बहुत सुंदर मेरा रहा सर, वो जो शिवरात्रि साधना का मेरा इतना अमेजिंग उसका वो पड़ा सर, और दिया का भी, मेरी नौकरी एकदम चली गई थी। मतलब वो था कि अब आज के बाद हमें नौकरी करनी नहीं है, मेरे परिवार में सब लोगों ने सब कुछ ऐसा कह दिया था कि नहीं तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। अच्छा मैं वो दिया भी जलाती रही, और जो आपने क्योंकि साधना कही थी करने के लिए, मैंने उसको किया सर। उसका इतना स्वर साधना से इतना अमेजिंग पड़ा कि सर आज 2-3 दिन पहले मेरे ही हस्बैंड, मेरे घर वाले सब लोग कहे कि नहीं जाके तुम नौकरी करो। तो इतना प्रभाव पड़ा सर, मुझे बहुत भी है, बहुत मुझे भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये स्वर साधना से बहुत मुझे फायदा हुआ। नमः है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय, शिवाय सर। नमः शिवाय। सर आपने नवरात्रि की जो त्रिपिंडी की स्थापना के लिए बोला था, तो वो स्थापना करने के बाद मुझे कोई विचार, मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं नवरात्रि के फास्ट रखूंगी। बट खाना बनाते बनाते, मैं वर्किंग वुमन हूँ, खाना बनाते बनाते मन में आया कि मैं फास्ट भी रखूंगी। लेट हो गई थी, मुझे लगा कि शाम को पूजा करूंगी, आज मेरी पूजा भी नहीं होगी। बट मैंने, मेरे पास 5 मिनट्स एक्स्ट्रा थे, मैं जोत लगाई सर, और नैना देवी के दर्शन मेरी जोत में हुए सर। सो थैंक यू बहुत सो मच सर, इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरीके से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर में काफी टाइम से काम कर रही थी, बट इतना जो मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती थी और इतने अच्छे तरीके से मैं अपनी बात को भी नहीं रख पाती थी। तो स्वर विज्ञान से जो मैंने अपने आप को कनेक्शन फील किया, और जो प्रिडिक्शन मेरी एक्यूरेसी से जाने लगी, चाहे वो टैरो कार्ड से हो, चाहे सर एस्ट्रोलॉजी मतलब होरोस्कोप से हो, मतलब मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस फील होने लगा ना कि अब मुझे लगता है कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत और हालांकि बढ़िया, सर मैंने ना दिया जलाया, ना मैंने कपूर की रेमेडी करी, आज जस्ट कि मैंने सिर्फ स्वर विज्ञान को यूज करा अपनी रीडिंग्स में, अपने डेली रूटीन की लाइफ में, हाथ वाले उपाय से, और स्वर में किस तरीके से सोना है और स्वर में किस तरीके से उठना है, तो इतना सा किया सर मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। अनु जी बोलिए। ओम नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आज मेरा 9 दिन का फास्ट चल रहा है, तो मैंने माता रानी के आगे जो दिया जलाया उसमें उस जो एक जोत में दो मतलब जोत जल रहे हैं। तो सर ये भी थोड़ा सा समझ नहीं आया, लेकिन यही मेरा क्वेश्चन था कि सर इसका क्या मतलब हुआ। अच्छी बात है, पॉजिटिव सिंबल है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी बोलिए। सर जी, आप जो आपकी रेमेडी है वो सारी मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि शुरू में तो मेरे काम ऐसे हो रहा था जैसे मेरे को कोई कुंजी मिल गई। अभी मैंने क्या है, कोई जैसे यार दोस्त है किसी को मैंने कुछ बताया थोड़ा बहुत, उसके बाद में मतलब आपके लिंक भी भेजा लेकिन कुछ मैंने भी बताया आपकी रेमेडी, तो मेरे ऐसे काम लग रहा है जैसे काम मेरे रुक गए, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी को रेमेडी हम शेयर करते हैं तो ऐसा होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बोलिए नीता जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपसे बात भी की थी, और 3-4 दिन से मैं आपकी वीडियोस भी देख रही हूँ। अभी जस्ट क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले मैंने कपूर वाली रेमेडी चेक की, मैं करके देखती हूँ, मैंने अभी तक कोई रेमेडी की नहीं थी। कपूर वाली रेमेडी की थी मैंने, तो जिसमें नॉर्मल कपूर जला था वो दिया बिल्कुल काला हो गया, और जिसमें मैंने 7 बार घुमाकर कपूर जलाया था वो थोड़ा सा कलर बहुत। और बहुत मैंने अफर्मेशन दी थी कि मेरी जो भी नेगेटिविटी है वो सारा इस कपूर में आ जाए, तो इस तरीके से ये रिजल्ट मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हो गया, आगे बढ़े या और किसी को कुछ कहना है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअल में स्वर विज्ञान जो है वो वाकई में ही एक, जैसा हम कहते हैं ना, स्वर विज्ञान एक चमत्कार, ये रियल में एक चमत्कार है। आज हम बात करने वाले हैं कि स्वर विज्ञान से हम अपने 7 चक्रा की एनर्जी को कैसे बैलेंस करें।
पहले तो ये समझेंगे कि हमारे शरीर में जो पांच एलिमेंट्स होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में 5 लेयर्स की बॉडी होती है। जैसे हमारी ये स्किन है, इसके ऊपर भी लेयर्स होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ठीक है, फिर उसके अंदर हड्डियां होती है। वैसे ही ऑकल्ट साइंस में वैसे ही हमारे आभा मंडल होता है। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना। आभा मंडल होता है, जब हम हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है तो हमारे साथ एक आभा मंडल क्रिएट हो जाता है। अब वो पॉजिटिव आभा मंडल है या नेगेटिव आभा मंडल है, वो आप लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा, लॉजिकली समझना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मतलब वो हर चीज में पॉजिटिव खोज लेता है, और जब हम उसके बगल में बैठते हैं या जब हम उससे मिलने जाते हैं तो वो हमसे पॉजिटिव में बात करता है या ना नहीं भी बात करता है, तो हम क्या कहते हैं कि यार तुम्हारे पास बैठने से ही मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है। ऐसा होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यार इस व्यक्ति के बगल में जाते हैं, जब उससे मिलने जाते हैं तो हम मतलब नॉर्मल 2 4 बातें भी ये कहता है तो हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हम इसके पास में बैठे और 10 मिनट से क्या बात की है, ये व्यक्ति तो इतना नेगेटिव है, इसने खुद तो नेगेटिव है और साथ साथ मुझे भी इसने नेगेटिव कर दिया। होता है कभी कभी, आपने कभी तो किया होगा लाइफ में एक्सपीरियंस। या हम कहते हैं ना यार ये इतना नेगेटिव है, जब भी मिलता है ये नेगेटिव बात करता है, हम उससे दूर भागते हैं क्योंकि उसके थॉट पैटर्न क्या है, नेगेटिव है। या एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आध्यात्मिक की बातें करता है, जो अच्छी बातें करता है, जो पॉजिटिव बातें करता है, हम उसके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे और घंटों घंटों बातें कर लेते हैं अच्छे वे में। देखो, निंदा करना है डिफरेंट है, किसी व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो एक अलग पार्ट होता है। जब आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ बैठते हो, बात करते हो, तो आप भी पॉजिटिव हो जाते हो और सामने वाला भी पॉजिटिव होता है, सामने वाला भी पॉजिटिव फील करता है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? एक ही व्यक्ति होता है, एक सिंगल व्यक्ति। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक्स वाई जेड एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ा ईमानदार है परंतु दूसरे के लिए बहुत बड़ा बेईमान। कभी आपने ऐसा जज किया होगा, कई लोग कहते हैं ना कि अरे यार वो व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करना, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, बेईमान है। हम क्या कहते हैं, आज तक इसने मुझे तो कभी धोखा नहीं दिया, तेरे को दिया होगा तो तेरी बात अलग है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही व्यक्ति है, उसकी दो पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। वह व्यक्ति मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है और दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है, या कह सकता हूं कि वह व्यक्ति मेरे लिए ईमानदार है बहुत बड़ा परंतु दूसरे के लिए वो उतना ही बड़ा बेईमान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी को जिस वे में ले जाते हैं, जिस फ्लो में ले जाते हैं, हमारी एनर्जी उसी फ्लो के साथ कनेक्ट होती है, उसी फ्लो के साथ कनेक्ट होती है। जब हम बार बार कहते हैं कि भगवान मुझे जीवन में दुख मत मिले, दुख मत मिले, दुख मत मिले, तो भगवान जीवन में दुख देता है। और कई लोग कहते हैं ना यार मैं तो हर हाल में खुश हूं, मुझे तो खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो खुशी मिलती है। या फिर ऐसा भी होता है, जब व्यक्ति की एनर्जी नेगेटिव होती है तो वही लोग उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं जो उसको धोखा ही देते हैं। आज धोखा मिलेगा, कल धोखा मिलेगा, परसों धोखा मिलेगा, फिर अगेन एंड अगेन उसको धोखा ही मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होता है तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव लोग ही कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। नहीं, यहाँ पे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद भी यूनिवर्स के 12 लॉज हैं, उसमें से सारे के सारे लॉज कनेक्ट होते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक पार्ट है, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ रिदम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। ऐसे करके यूनिवर्स के सब लॉज हैं, ऐसे करके यूनिवर्स के 12 लॉज हैं और 21 सब लॉज हैं। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक के साथ कनेक्टेड है। और ये कैसे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है हमारे 5 लेयर्स की जो बॉडी है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। आप नेट पे कभी सर्च करना आभा मंडल, ऑरा। आजकल तो बहुत सारी चीजें होती है ना कि यार इस व्यक्ति के साथ बैठते तो बड़ा पॉजिटिव फील होता है, इस व्यक्ति के साथ बैठते तो बड़ा नेगेटिव फील होता है। ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति है जो पसीने से पूरा लथपथ है,
और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही। आप कितनी देर उसके पास बैठना पसंद करोगे? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। उसके बाद आप ना ऐसा मतलब आप कोशिश करोगे कि यार भागे यहाँ से। और एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बगल में आके बैठा और उसने बहुत खूबसूरत सा परफ्यूम लगा रखा है, धीमी धीमी खुशबू आ रही है, आपको आनंद आता है, यार बड़ी अच्छी खुशबू है, बड़ी अच्छी खुशबू है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर से पसीने की दुर्गंध आ रही है, आप दूर भागने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास से धीमी धीमी खुशबू आ रही है, हम बैठना पसंद करते हैं। सेम चीज एनर्जी का भी यही होता है, एनर्जी का भी यही फ्लो होता है कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारे साथ जो कनेक्ट होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है, या सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, और वो व्यक्ति पॉजिटिव है तो हमें भी पॉजिटिव कर देता है। इसे हम कहते हैं आभा मंडल। अब आगे बढ़ता हूँ। आभा मंडल जो होता है ये 5 लेयर्स की बॉडी होती है। प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? जो अनाज हम खाते हैं वो हमारा अन्नमय कोश है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सुना या नहीं सुना है मुझे नहीं पता, बट सुने होंगे सभी लोग, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर कोई व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो उसका दिमाग सात्विक रहेगा, अगर कोई व्यक्ति तामसिक भोजन करता है तो उसका दिमाग तामसिक रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाते हो, अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाते हो तो आपके वाणी में ना मिठास नहीं रहेगी, क्या रहेगी? तीखापन रहेगा। जो भी आप बोलोगे सही, परंतु सामने वाले को लगेगा कि ये झगड़ा कर रहा है। और अगर आप मीठा ज्यादा खाते हो, देखो शुगर हो जाएगा, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, तो मीठास अगर रहती है तो आप देखना नॉर्मल वे में जो गुजरात के लोग होते हैं, गुजराती लोग, वो लोग ना खाने में थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं उनके खाने में मिठास रहती, तो कितना मीठा बात करते हैं। और उसी जगह में महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में लोगों को तीखा बहुत पसंद आता है, तो जब हम किसी से वो नॉर्मल भी बात कर रहे होते हैं ना तो हमें क्या लग रहा है, दो लोग झगड़ तो नहीं रहे, मतलब उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी लाउड रहती है, वो बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपस में ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो ये कारण क्या है? जैसा खाओगे मन वैसा बनेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपनी दृष्टि को बदल दो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। अगर आप अपनी सृष्टि को बदल दोगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है ये, दृष्टि वाला एग्जाम्पल है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। दो बुजुर्ग इंसान 70 70+ एक चौराहे में बैठे रहते। स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ। दो बुजुर्ग इंसान एक चौराहे में बैठे हैं और उस जगह से एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के। समझना ये स्टोरी, समझना लॉजिक, दृष्टि। ये दोनों दोनों व्यक्तियों की दृष्टि में फर्क कितना है? एक दो बुजुर्ग इंसान जो 70+ हैं और चौराहे में बैठे हैं, उस जगह से एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जा रही है, और पहला बुजुर्ग इंसान कमेंट पास करता है, देख रहा है भाई समाज कितना खराब है, ये छोटा छोटा कपड़ा पहन के लड़की घूम रही है, आगे चल के इसको लड़के छेड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर यही होगा कि लड़के बेकार होते हैं, लड़के ये होते हैं, लड़के वो होते हैं, इसके माँ बाप को शर्म नहीं है, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहना के निकली हुई है, इसको देख रहे हो कैसे घूम रही है, समाज को गंदा कर रहे हैं। और दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति क्या कहता है, अरे यार ये ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, मैं अपनी नातिन को भी ऐसी ड्रेस पहनाऊंगा, बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम परी के जैसी दिख रही है। तो दोनों की दृष्टि में कितना फर्क आया, बात समझ में आएगी नहीं आई? एक व्यक्ति ने देखा, उसने नेगेटिव कमांड दिया कि समाज खराब कर रहे हैं, इसके माँ बाप को अक्कल नहीं है, ये है वो है, और दूसरे ने क्या कहा, मैं अपने डॉटर इन लॉ को, या मैं अपनी भतीजी को, या मैं अपनी मेरे घर में जो छोटी बिटिया होगी, मेरे बेटे की लड़की होगी, मैं उसको ऐसी, वो एक परी के जैसे देख रहा है कि वाह कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो दोनों की दृष्टि में कितना फर्क है, यही चीज होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कई बार ऐसा बोला जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो कई लोग कमल को देखते हैं और कई लोग कीचड़ को देखते हैं। ये लॉजिक सभी को समझ में आता है कि नहीं, हमें कमल को देखना है।
परंतु होता क्या है, जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले कीचड़ को देखते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई। समस्या आई है तो उसके पीछे का सार, उस समस्या के पीछे पॉजिटिव क्या है वो नहीं देखते। एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से गिर गए, अचानक से गिर गए, एक पत्थर से टकरा कर आप गिर गए, तो उस समय आप क्या बोलोगे? मतलब म्युनिसिपैलिटी वाले को, ये देखो कितने नालायक लोग हैं, किसने पता नहीं, ना जाने किसने, बेवकूफ ने बीच रोड में पत्थर रख दिया, इस पत्थर में मेरा पैर लगा और मेरे घुटने में चोट आ गई, मुझे स्क्रैच लग गया, ये नेगेटिव वे में हो गया। वो फालतू की बातें करेगा कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अब उसी जगह पे कोई पॉजिटिव व्यक्ति होगा तो वो क्या बोलेगा, भगवान शुक्रिया था जिसने भी ये पत्थर रखा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आगे जाता तो कोई गाड़ी वाला मुझे ठोक देता, हो सकता है मैं आगे जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती, मेरे साथ बड़ी दुर्घटना जो घटने वाली थी वो छोटे में निपट गई, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिसने यहाँ पत्थर रखा उसको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दोनों एंड में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कब होता है? जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो पहला जो होता है प्राण शरीर, सबसे पहले अन्नमय कोश, ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है, इसके बाद जो होता है वो होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? आपकी प्राण शक्ति, यही है स्वर विज्ञान। जब आप पॉजिटिव प्राण शक्ति को अपने अंदर खींचते हैं तो आपके प्राण शक्ति की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और जब आप प्राण शक्ति को नेगेटिव वे में ले जाते हो तो आप देखते हो कि आप थोड़ा सा काम करते हो थक जाते हो। अब ये कनेक्टेड कैसे है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब मन, मन। जब व्यक्ति का मन शांत होगा, जब व्यक्ति का मन पॉजिटिव होगा, तो उसके अंदर कौन सा ज्ञान आएगा? फिर उसके बाद आता है ज्ञानमय कोश। तो पॉजिटिव ज्ञान आता है, और जब पॉजिटिव ज्ञान आता है तो उसके बाद आता है आनंदमय कोश। समझ रहे हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी डिश पसंद है, आपको मान लो कोई भी एक डिश पसंद है, सब सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मीठा आपको पसंद है, तो आपने अन्नमय कोश में क्या खाया? मीठा। तो प्राणमय कोश में क्या जाएगी? मिठास। और मन को क्या मिलेगी? शांति। और फिर मीठा खाने के बाद बोलते ना, अब बड़ा आनंद आ गया, कहते ना मीठा खाने के बाद कहते ना, अरे बड़ा आनंद आ गया, इसके टेस्ट में तो बड़ा मजा आ गया। तो क्या हुआ? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। यही चीज होती है प्राण शक्ति। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम अपनी प्राण शक्तियों को डाल देते हैं, और जब हम प्राण शक्ति को डालते हैं तो देखते हैं कि वाह, मेरा ये काम पहले बनता नहीं था, अब ये काम बड़ी आसानी से बन रहा है, पहले इस काम में मुझे दिक्कत हो रही थी, अब ये काम बड़ी आसानी से हो रहा है। तो यही है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को एक्टिव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राणमय कोश को एक्टिव करने के लिए हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रा सभी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, आगे की क्लास में मैं फोटो शेयर कर दूंगा कि 7 चक्रा क्या होते हैं। आज हम सिर्फ 1 चक्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे, 7 चक्रा होते हैं, 7 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। पहला चक्रा जो होता है वो होता है मूलाधार चक्र। अब कोई लॉजिकली बोलेगा कि सर ये तो दिखता तो है नहीं, मैं यकीन कैसे मानूं आपकी बात पे, आप बोल रहे हो मूलाधार चक्र ये तो दिखता नहीं है, ये इस बॉडी में नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा प्राणमय कोश। अब आप बोलोगे सर प्राणमय कोश देखने कहाँ जाए, प्राणमय कोश कोई नहीं देख सकता, वो अनुभव किया जा सकता है, वो फील किया जा सकता है। पर जिसके मन में भी ये लॉजिक आया कि प्राणमय कोश को हम कैसे एक्सपीरियंस करें, प्राणमय कोश को हम कैसे समझें, तो उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप प्रूफ करके दिखाओ कि प्राणमय कोश होता है, तो एनर्जी को कोई देख नहीं सकता, अनुभव कर सकते हैं। तो जिसके मन में भी ये डाउट आएगा ना, क्या करना, प्राणमय कोश नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो क्या करना, एकदम लॉजिकली आप अपने घर पे जाना, स्विच बोर्ड ऑन करना, थोड़ा सा अपने अपने हाथ को गीला कर लेना, पानी डाल लेना, और स्विच बोर्ड ऑन करना और उंगली डाल के देख लेना, आपको एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा कि
कि एनर्जी नाम की कोई चीज चिड़िया है उस दुनिया में। आपको प्राणमय कोष के बारे में पता चल जाएगा, जब आपको करंट लगेगा तो प्राण से ही लगेंगे, फिर हो सकता है प्राण भी निकल जाए। ठीक है, ये लॉजिक बड़ा अच्छा है ना, कि किसी को यकीन नहीं है तो प्राणमय कोष को ऐसे चेक कर लो। अब ये बच्चों जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सर हम तो देखे नहीं कैसे पता करें। तो प्राण एनर्जी को आप देख नहीं सकते, एनर्जी को आप फील कर सकते हो। जिस प्रकार आप वाईफाई को देख सकते हो, शायद नहीं, परंतु वाईफाई अगर ऑन है तो यूट्यूब आप चला सकते हो। आज आप गूगल मतलब आप जूम मीटिंग में बैठे हो तो वाईफाई चल रहा है, तभी तो जूम में बैठे हो। वाईफाई अगर आपका गायब हो जाएगा या इंटरनेट आपका चला जाएगा तो वो मोबाइल खाली डब्बा है। सपोज आपके मोबाइल से सिम निकाल के फेंक दिया जाए तो वो मोबाइल किस काम का, चाहे आपका मोबाइल 50 लाख का क्यों ना हो, 5 लाख का क्यों ना हो, वो मोबाइल किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति आपने खींच के फेंक दी। सिम निकाल के फेंक दिया मतलब वो गया ना मोबाइल। तो मोबाइल तो खाली आपका शरीर है, ये शरीर है, उसके बाद जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है, जो वाईफाई का कनेक्शन है, जो टावर है, वो क्या है, वो प्राण शक्ति। तो यही प्राण शक्ति होती है। अब इसी जगह पे हमारा होता है मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र को बड़े ध्यान से समझना। मूलाधार चक्र, कई लोग कहते हैं इस व्यक्ति का मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया है, कई लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति का मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया है, कई लोग कहते हैं इसके मूलाधार चक्र की एनर्जी खराब हो गई है। अरे भैया, मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक हो जाएगा ना तो वो दुनिया से ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कई लोग कहते हैं ना इस व्यक्ति की मूलाधार चक्र की एनर्जी ब्लॉक हो गई है, तो मूलाधार चक्र की एनर्जी अगर ब्लॉक हो जाएगी तो वो दुनिया से ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो वहां नहीं रहेगा। मूलाधार की एनर्जी हम कह सकते हैं नेगेटिव है, या मूलाधार चक्र की एनर्जी बैलेंस नहीं, अनबैलेंस। अब आपके घर पे एक सीलिंग फैन है, इसको मैं कनेक्ट करके बताता हूं तो समझ में आएगा। घर में सीलिंग फैन है, जब आप स्टार्टिंग में घर में नया नया लगाए थे तो बहुत तेज घूमता था, फिर साल भर के बाद उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, साल भर के बाद उसकी स्पीड थोड़ी और कम हो गई, फिर साल भर के बाद उसकी स्पीड ऐसे धीरे 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 ऐसे मरे मुर्दे के जैसा घसर घसर करता है। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे तो पंखा जल जाएगा, उसकी वाइंडिंग जल जाएगी या नहीं जलेगी? अगर मान लीजिए एक पंखा जब आप लेके आए शुरू में, स्टार्टिंग में जब आप नया लेके आए तो काफी स्पीड थी, 2 साल के बाद उसकी स्पीड में क्या हो गया, उसकी जो बैरिंग है वो घिस गई तो उसकी स्पीड कम हो गई। कई लोगों को घर में पंखे बोलते ना, कर 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 चलते रहता है, आवाज करता है घिड़ी घिड़ी, हम क्या बोल रहे हैं, जब तक चल रहा है चलने तो क्या दिक्कत है। और जिस दिन वो बंद हो गया तब आवाज आती है, घुर घुर की आवाज आती है, और उस समय अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो 101% है आपकी बैरिंग जल जाएगी, मतलब वो गया। तो वैसे ही जब आप शुरू में, हम जब स्टार्टिंग में पंखा लेके आए थे तो काफी स्पीड में था, 2 साल के बाद उसकी स्पीड कम हो गई, वैसे ही मूलाधार चक्र की जो एनर्जी होती है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो काफी स्पीड में वो चलता है, स्पीड मतलब उसको रियल, अब उसकी जो स्पीड होती है वो चलती है धीरे 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 धीरे, जब हम बड़े होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, फिर उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती है, और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वहां पर जो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो वो उतना ही कंज्यूम करेगा ना, आपका फैन जो है इलेक्ट्रिसिटी तो वो उतना ही लेगा, चाहे वो स्पीड में चले चाहे वो धीरे चले, इलेक्ट्रिसिटी तो वो उतनी ही ले रहा है। अगर उसमें 220 वाट का है तो 220 वाट ही खींचेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो धीरे धीरे चल रहा है तो 50 वाट खींचेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी ले रही परंतु उसकी स्पीड कम हो गई। वैसे ही मूलाधार चक्र जब ब्लॉक होता है तो व्यक्ति की लाइफ में काम करने की स्पीड खराब हो जाती है। अब मूलाधार चक्र जब अनबैलेंस होता है, ब्लॉक बोलना गलत हो जाता है, मेरे मुंह से ब्लॉक निकल गया, एनर्जी कमजोर पड़ गई या एनर्जी नेगेटिव हो गई, तो वहां पर मूलाधार, अब यहाँ पे आप लोग पॉइंट समझना, जिस भी व्यक्ति का मूलाधार चक्र की एनर्जी वीक होती है या कमजोर होती है, उस व्यक्ति की लाइफ में हड्डियों से संबंधित समस्या, पहला प्रॉब्लम हड्डियों से संबंधित समस्या, दूसरा उस व्यक्ति को जीवन में हमेशा बेसिक नीड पे ही फंसा रहेगा। बेसिक नीड में फंसे रहने का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, वो बेचारा 50,000 रुपये कमाएगा
और 50,000 रुपये में वो अपना घर का खर्चा चलाएगा, अपना ईएमआई पटाएगा, अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, 50,000 रुपये खत्म। फिर अगले महीने 50,000 आएंगे, फिर वो अपने बेसिक नीड पे ही फंसा रहता है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा वो कभी उठ ही नहीं पाता। मूलाधार चक्र अगर किसी व्यक्ति का अनबैलेंस है तो बेसिक नीड पे ही फंसा रहता। दूसरी चीज, उस व्यक्तियों को हड्डियों से संबंधित समस्या, मतलब जॉइंट्स पेन होना, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होना, पैरों से घुटनों से संबंधित समस्या, ये सारी 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 समस्या जो होती है ये मूलाधार चक्र की होती है। मूलाधार चक्र जो हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें का इसे हम कहते हैं पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। मूलाधार चक्र जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है, और यही मूलाधार चक्र अगर जब आपका अनबैलेंस होता है तो जीवन में आप कोई भी काम करोगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। आपने कोई चीज खरीदा, अनबैलेंस है, वो एक समय के बाद चला जाएगा। 60% लोगों का ये प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मूलाधार चक्र को जागृत कैसे करना है। जागृत करना अलग हो जाता है, मूलाधार चक्र की एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या क्या आती है? जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है, उस व्यक्ति की लाइफ में हमेशा सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। पैसा कभी टिकेगा नहीं, अननेसेसरी फालतू की चीजों में वो फंसा रहेगा, आर्थिक रूप से परेशान रहेगा, बनता बनता काम आखिरी मोमेंट में बिगड़ जाएगा। अगर मान लो उस व्यक्ति ने गलती से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी लीगल केस में फंस जाएगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ अगर खराब है तो और बेवजह उसका फैट बढ़ेगा, वो 2 रोटी खाएगा और गुब्बारे का जैसा फूलते रहेगा, मतलब अननेसेसरी उस व्यक्ति के शरीर में फैट बढ़ता है। डाइट भी कर ले, कितनी भी डाइट कर ले, वो खाना भी खाना बंद कर देगा 1 महीने में, तो पहले वो 100 किलो का है, डाइट बंद करके 3 महीने के बाद वो अपना वजन 70 किलो कर लिया, उसके बाद वापस से वो डाइट चालू करेगा, फिर 3 महीने के बाद वो 100 किलो में चला जाएगा। अर्थ एलिमेंट गड़बड़ होने, अर्थ एलिमेंट गड़बड़ होने से स्टेबिलिटी खराब होती है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपकी स्टेबिलिटी खराब होती है, ये मूलाधार चक्र का सिम्टम्स। तो मूलाधार चक्र अनबैलेंस होने से ये प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद उसकी लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन होता है, वो कभी लाइफ में अपनी लाइफ में लग्जरी को कभी जी नहीं सकता, वो अपनी लाइफ में कभी लग्जरीपन को जी नहीं सकता। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको, नहीं स्किन से नहीं, हड्डियों से संबंधित समस्या होती है। मूलाधार चक्र जिसका भी अनबैलेंस होता है उसको हड्डियों से संबंधित समस्या होती ही होती है, और कितनी भी मेहनत कर ले, एड़ी चोटी का दम लगा ले, कुछ नहीं हो पाएगा। वही है, बहुत मेहनत करेगा, बैल के जैसा काम करेगा, और बाद में उसको रिजल्ट कैसा मिलेगा? 100% मेहनत करेगा, रिजल्ट मिलेगा 40%। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये तो आपने बता दिया, अब उसको कैसे ठीक करें? और एक चीज है, जिस भी व्यक्ति को लाल कलर बहुत पसंद आता है, उस व्यक्ति का भी मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है। जिस भी व्यक्ति को रेड कलर बहुत पसंद आता है, उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है। वह व्यक्ति हमेशा, अभी अनम्यूट करूंगा आप लोगों को, अनम्यूट करने के बाद आप लोग जो रेड कलर बहुत पसंद करते हैं, कहते ना मेरा तो फेवरेट कलर रेड कलर है, तो जितने लोगों का फेवरेट कलर रेड कलर है ना, उनके साथ 3 प्रॉब्लम आएगी। बनता बनता काम आखिरी मोमेंट में बिगड़ जाएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा खिटपिट बने रहेंगे। पैसा आप इकट्ठा करोगे, पैसा कहीं ना कहीं मीडियम से निकल जाएगा, और उनको स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, या तो स्पाइनल कॉर्ड में पेन होगा, या फिर उनको हड्डियों से संबंधित समस्या, जिनको भी रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो अपना फेवरेट कलर चेंज कर। कितने लोग, हैंड रेस करो तो जरा। चलो बोलिए, जितने लोगों को रेड कलर पसंद आता है मैच किए, वीडियो ऑन करके बोलना, नहीं तो जवाब मैं फिर कुछ नहीं बोलने वाला। सर मुझे रेड कलर बहुत पसंद है और आपने जो बताया वही प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में हैं सेम। सर मुझे भी रेड कलर बहुत पसंद है और मेरे को ये सब प्रॉब्लम है। सर और मुझे भी सर पसंद है और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं। सर मेरा भी फेवरेट है रेड और ये सब प्रॉब्लम है।
सर मेरा भी रेड कलर फेवरेट है एंड बहुत लोगों ने बताया भी कि मेरा मूलाधार चक्रा इम्बैलेंस है एंड बहुत वर्क करने की जरूरत है एंड आपने जो भी चीजें बोली वो सारी चीजें बितरी है मैच कर रहे हैं सर। मेरा जी भी रेड मैच कलर पसंद है लेकिन हड्डियों से प्रॉब्लम भी है। सर रहे मेरा भी सेम प्रॉब्लम है सर। कलर रेड उतना नहीं पसंद है, ग्रीन पसंद है, लेकिन सारे प्रॉब्लम हड्डियों से रिलेटेड, मोटापा, स्किन का, ये सारे प्रॉब्लम है सर मेरे लाइफ में। अभी इसको ठीक कैसे करना है, हम आगे बढ़ेंगे ना। जी सर बिल्कुल सर। और मैं सबको अनम्यूट कर दिया हूँ, और किसी को कहना है, क्योंकि कुछ लोग बेचारे हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी को कुछ कहना है तो बोलो। कोई जी मैच, अच्छा, और कोई मैच कर पाया? सर मुझे मुझे भी रेड कलर बहुत भी पसंद पसंद है, पर यही है। प्रॉब्लम हाँ है। सर बिल्कुल सही है, क्योंकि सही है सर। सारी की सारी यहाँ महिलाएं बोल रही हैं भाई। कोई सर मुझे भी हड्डियों संबंधी सर गुस्सा प्रॉब्लम भी आता है क्या सर रेड पहनने से? हाँ है, रेड कलर से गुस्सा भी आएगा, शॉर्ट टेम्पर आप बन जाओगे। सर अभी मेरे साथ मैंने भी यही है सर, रेड मुझे भी रेड कलर सर रेड पसंद है। पहनते ही मेरा एकदम गुस्सा आने लग जाती हूँ सर, एकदम गुस्सा गुस्सा आने लग जाता है। मेल को सही भी है तो सर प्रॉब्लम नहीं जो आपने है। हेलो बोला। नहीं सही है आपने जो हेलो बोला। ओके हाँ हम्म, बिल्कुल सही है बोलिए सर। बोलिए बोलिए। हेलो हेलो मत बोलिए, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मेरे को पता नहीं था आपको आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल जो है। आपने, मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ, मैं न्यू हूँ अभी, तो मैं जो आपकी मतलब जो भी आपने बताया है, मेरी लेफ्ट साइड में पूरी दर्द करती है और मेरे को रेड कलर बहुत पसंद भी है, और जो जो आपने सिम्टम बताए सो मेरे में है। तो मैंने दिए वाली रेमेडी भी करी थी पर मेरे अभी दर्द कोई कम नहीं हुआ है लेफ्ट साइड में ना। तो दूसरी जो जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो वाला भी जलाया मैं था मैंने, चार लाइन कपूर में है ना। कलर दुआ दी ठीक फिर दुनिया भर के। है ठीक है बिल्कुल नमः ठीक शिवाय सर। है। हाँ मैच कर पाया, और किसी को मैच सर हुआ? येलो कलर से क्या होता है? अभी येलो आए कलर का आएगा हाय, धीरे से, हर अकेले दिन। रीडिंग वाला भी। अभी हम रेड की बात कर रहे हैं, रेड कलर में हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। येलो कलर का अभी आएगा, येलो कलर जो है वो थर्ड चक्रा है हमारा। आज हम पहला चक्रा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, स्वर विज्ञान में जो मैं पेड क्लासेस में लोगों को सिखा रहा हूँ, वो जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। आप लोग सीखोगे, वो लोग 3 महीने में सीख रहे हैं, आप लोगों को साल भर लगेगा, और कुछ नहीं, बस इतना ही समय, बस इतना ही है। तो कई लोगों का रहता है कि नहीं सर हमें जल्दी सीखना है, चीजों को जल्दी पाना है, तो वो क्लासेस पेड वाली में आ जाते हैं, मेंबरशिप में आ जाते हैं। पेड वाली नहीं बोलूंगा, वो मेंबरशिप में आ जाते हैं। और जिनको रहता है कि ठीक है आराम से ही हम सीखेंगे, तो पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो अब इसको, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, इसको जागृत कैसे करना है, बैलेंस बोलूंगा। जागृत करना मूर्खता हो जाता है। जागृत कौन करता है? जो एक योगी होता है। चक्रास को जागृत करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक योगी का होता है, जो योग करता है, योग की साधना करता है, जो सांसारिक चीजों से सांसारिक चीजों के लिए, उसके लिए मायने नहीं रखता। पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ से लेना देना नहीं, घर परिवार किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, उन लोगों के लिए जागृत, मूलाधार चक्र को जागृत कर दो। हम सांसारिक जीवन में रहते हैं तो हमें मूलाधार चक्र को बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए दो तीन रेमेडीज हैं, वो मैं अभी दे दूंगा, क्योंकि ये यूट्यूब में वीडियो जाएगी तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करके दूंगा, क्योंकि अननेसेसरी कोई मार्गदर्शन में अगर काम नहीं करा और ज्यादा ही एनर्जी फ्लो कर गई तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए बिना मार्गदर्शन के कोई ना करे। तो जागृत कैसे करना है, यहाँ पे मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करके आप लोगों को बताता हूँ, पर मैं वहां इस प्रयोग को करने के बाद आपकी बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो होने लगेगा, आप देखोगे कि मजा आ गया। बोले इतना मेडिटेशन करता हूं, कई लोग करते हैं घंटों घंटों मंत्र जाप करते हैं, मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का लम 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 लम, न जाने लाखों बार बोल गए होंगे, मूलाधार चक्र हिला भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे भी नहीं हुआ होगा, एक रत्ती भर खसका भी नहीं होगा। और इस प्रयोग को करने के बाद मेरे मूलाधार चक्र में एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव कैसे हो गई? क्योंकि आपने यहाँ पे स्वर विज्ञान की प्राण शक्ति का प्रयोग किया। प्राण शक्ति का ही प्रयोग करना है। देखो लम मंत्र का चैंट जब हम करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कई लोग कहते हैं
मुंह से बोलो, ओ लाम लाम। आपने तो निर्गुण में कह दिया, तो वो एनर्जी अंदर जाने की जगह तो बाहर फेंक दिए, तो सबसे पहले तो वही डंप हो गया। अब उसके बाद आप मन में लम लम करते हो, तो लम तो खोपड़ी में घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो नीचे कहाँ जाएगा? तो नीचे के लिए कहाँ से खींचना है आपको? जो अभी मैंने प्रयोग बताया, इस प्रयोग को आप अपने तक ही सीमित रखना, आगे ज्ञान मत बांटते। क्यों नहीं बांटना? क्योंकि अगर आप मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो, कुछ लोग होंगे जो बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं, तो वो मतलब उसको अलाउ करेंगे, एग्री करेंगे। अब आप किसी नए आदमी को बोल दोगे ऐसा ऐसा कर लो, वो ज्यादा कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको ये सिर्फ और सिर्फ 40% एक्टिवेशन की चीजें बताई, इसके आगे भी एक प्रोसेस होता है, वो मैं अभी नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो इसको ही कर लिया ना, अगर आपने महीने तीन दो तीन महीने तक अगर आपने इसको भी कर लिया ना, आप देखोगे कि आपको मजा आने लगेगा। अभी तक आपने जितने भी मेडिटेशन किए होंगे या मंत्र जब जितने भी किए होंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि यार ये प्रोसेस तो बड़ा सरल और आसान है। इससे फायदा क्या क्या होगा ये समझ लो। इस प्रयोग को करने से आपका सबसे पहला फायदा होगा कि आपके दिमाग की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। आप जो उदास रहते हो ना, हे भगवान मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया, हे भगवान मेरे को शारीरिक रूप से इतना टेंशन क्यों मिल रहा है, आप अलग से ही खुश रहना चालू कर दो। इसमें आपके ब्रेन के अंदर में एक केमिकल रिलीज होगा जिसे कहते हैं डोपामीन, मतलब अलग से ही खुशी मिलेगी आपको। हाँ ठीक है, बुरा हो रहा है, होने तो क्या करना, तभी तो अच्छा होगा, मतलब उसमें भी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव खोज लोगे। अभी क्या होता है ना, किसी ने कुछ कह दिया, दिमाग में टेंशन रहती है, हम सोचने में ही पड़े रह जाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है, हमारा दिन सड़ जाता है, हम अपने दिन को खराब कर लेते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, ठीक है उसने कह दिया क्या करना, कौन सा मेरे चिपक गया? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर जो मूलाधार चक्र की एनर्जी जब आपके मूलाधार चक्र में वो एनर्जी का फ्लो होने लगेगा, ठीक है? और आप बहुत अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है? समझ में आया सभी को? तो ये प्रोसेस आपको करना है। जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो आप इसको, ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन करोगे तो आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, आपको इसको 40 दिन करना है, मतलब आपको इसको लंबे समय से करना है, लंबे समय तक करना है, और इसमें लगना कुछ नहीं है। बड़े बुजुर्गों का कहना होता है ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, ठीक है? तो ये प्रयोग ऐसा है, ये खुद कर सकते हो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हम खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं दूसरी जगह भागने की आवश्यकता नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव, इससे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। और जिनको रेड कलर पसंद आता है वो रेड कलर को कोशिश करो अवॉइड करके, नहीं तो जीवन भर परेशान। अब रिपीट नहीं कर सकता, हो गया, जिसने सुना सुना, जिसने नहीं सुना नहीं सुना, वो आपकी एनर्जी, आपका इंटरनेट था, वो आप जान हो, मैंने जो बोलना था बोल दिया, वापस मैं रिपीट नहीं करता। बस इतना है, करके कर करोगे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन करोगे तो आपको धीरे 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 बहुत अच्छा फील होगा। 3 महीने तक करके देखना, 3 महीने में आज जिस कंडीशन पे आप हैं, 3 महीने बाद आपके जीवन में कुछ अलग ही चमत्कार होगा। कारण क्योंकि आपने जो पंखा जो नया नया खरीद के लाए थे, स्पीड पकड़ा बैठा था और उसकी स्पीड जो कम हो गई थी, वापस से आप क्या कर रहे हो, उसमें एनर्जी चार्ज कर रहे हैं। जैसे हम लोग दिवालियों में पंखे में बहुत ज्यादा धूल जम जाती है, देखो लॉजिक मैं इतने अच्छे से देता हूँ ना कि दिमाग में घुस जाए। फिर हम क्या करते हैं, जब पंखा जब आप ऑफ करते हो तो देखते हो ना कितना डस्ट जमा होता है, फिर जब आप उसको कपड़े से साफ करते हो, फिर उसको अच्छे से पोंछ देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो वो पंखे की जो पंखुड़ियां हैं वो वापस से क्लीन हो जाती है, होती है नहीं होती है? और मान लीजिए आज आप पंखा लगा दो और 10 साल से वो पंखा वैसा का वैसा ही लटका रहे, सिर्फ चलता ही रहे और आप उसकी धूल कभी ना हटाओ,
तो कैसा होगा? इमेजिन करो कि 10 5 साल हो गए, उस पंखे को आपने हाथ भी नहीं लगाया, उस पंखे को मतलब उस फैन की पंखुड़ी को आपने हाथ भी नहीं लगाया, और 10 5 साल पुराने बाद वो कितनी ज्यादा डस्ट जमी होगी उसमें। तो वैसे ही आपके मूलाधार चक्र में भी एनर्जी का डस्ट जम जाता है, और उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि आप प्राण शक्ति, जब प्राण से, प्राण एनर्जी है ना, वो हमारा प्राण शरीर है, तो जब आप किसी भी चीज को क्लिंजिंग करोगे तो प्राण शरीर से करोगे। अब इस शरीर में होता तो साबुन सोडा लेके साफ कर देते, ठीक है, एक नैपकिन में सर्फ लिए और रगड़ दिए, अच्छे से साफ हो गया। वो तो प्राण शरीर में है ना, तो प्राण शरीर का कॉन्सेप्ट प्राण शरीर से ही जाएगा, तभी वो आपको ठीक करेगा। और जीवन में एक चीज याद रखना, आप कितना भी सर पटक लो, कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, कितना भी आप मंत्र जाप कर लो, कितना भी दुनिया भर का उपाय कर लो, कितना भी उपवास रह लो, या कितना भी तामझाम कर लो, जब तक आपका प्राण शरीर पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक कोई उपाय काम नहीं करता। या कितने तो एक्सपीरियंस वाले बैठे होंगे कि सर वो एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये उपाय बताया, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। और आप जब स्वर विज्ञान के साथ प्राण शक्ति को कनेक्ट कर दोगे, आपको मिलेगा रिजल्ट। आप बोलोगे कि 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है, मेरा तो 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है और मेरा काम बन रहा है, मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो मेरे अंदर बैठा है, ये आपको फील होने लगेगा, ठीक है।